मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम्स विद पैरेलल कंपोनेंट्स। जैसे हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था विद पैरेलल सीरीज कंपोनेंट, इसमें अब जो कंपोनेंट होंगे वो कैसे होंगे, पैरेलल। तो देखिए इसमें कैसे रहेगा, फर्स्ट, फिर उसके पैरेलल में सेकंड, पैरेलल में थर्ड, अप टू सॉन एन तक। अब अगर आपने यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन दी है तो इसको आउट तक जाना है, तो हो सकता है फर्स्ट से चली जाए, सेकेंड से चली जाए, थर्ड से चली जाए, अप टू सॉन एन से किसी से भी जा सकती है। तो आपके इसमें क्या हो गया कि एक रिस्ट्रिक्शन हट गई है। जैसे हमने सीरीज़ में कहा था कि हर पार्ट का काम करना ज़रूरी है, तो इसमें लेकिन कैसा हो जाएगा कि कोई एक भी काम कर जाएगा तो पूरा सिस्टम काम कर रहा है। सपोज़ कर ले बाकी सब ख़राब है, सिर्फ एक टू है जो ये ठीक काम कर रहा है, तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आई वो टू से आउट पे चली गई, तो सिस्टम काम कर रहा है। तो देखिए इसमें क्या कहा है, अ सिस्टम विद एम कॉम्पोनेंट्स इज नोन एज एन एम यूनिट पैरेलल सिस्टम If and only if the successful functioning of any one of the components lead to the system success. कोई एक भी अगर काम करेगा, चाहे सारे काम कर रहे हो उससे हमें दिक्कत नहीं है, अगर at least one काम करे तो हम क्या कह देंगे वहाँ पे कि सिस्टम कैसा है, सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। फिर देखिए इसने क्या कहा, the component are connected across each other and there are m parallel paths between in and out end. M parallel paths हैं, तो देखिए यहाँ पे M आएगा अगर ये M के लिए कर रहा है तो, not N, ये M के लिए आ गया है। फिर इसने कहा है the existence of any one of them is sufficient to transit information from the in to the out end. तो देखिए इसने क्या कहा है कि यहाँ से यहाँ तक में कोई भी अगर ठीक से काम करेगा तो हम क्या करेंगे, पूरा सिस्टम ठीक काम कर रहा है। इन अदर वर्ड द सिस्टम फेल्स ओनली वेन ऑल द यूनिट फेल। सिस्टम पूरा कब फेल कहलाएगा कि फेलियर है, जब कोई भी नहीं काम करेगा, मतलब सारे कंपोनेंट्स ख़राब होंगे तो ही हम क्या कहेंगे, सिस्टम इज़ फेल्ड। द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज़, अब रिलायबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पे हम, देन देखिए यहाँ पे जो रिलायबिलिटी आएगी वो क्या है, प्रोबेबिलिटी E1, मतलब फर्स्ट कॉम्पोनेंट ठीक काम कर रहा है, या फिर या का मतलब और के लिए हम यूनियन यूज़ करते हैं, सेकेंड कॉम्पोनेंट ठीक काम कर रहा है या फिर अप टू सॉन ऐसे ही एमित कर रहा हूँ। तो इसी को मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कैसे कर सकते हैं जब हम फेलियर वाले की बात करेंगे, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम फेलियर वो ऐसे हो जाएगा। अब ये ऐसे लिखे या फिर अलग अलग करके लिखे, ये बिल्कुल आपका सेम है यहाँ तक का स्टेप जो आपने सीरीज़ वाले में किया, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब टी आ गया ब्रैकेट, उसका मतलब रिलायबिलिटी एट टाइम टी, तो वो क्या हो जाएगा, 1 as it is माइनस, हमने इनको डिनोट किया है। Q1 क्या है यहाँ पे, Q1 इज़ द सिस्टम फेलियर प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कॉम्पोनेंट टू फेल, कि पहला कॉम्पोनेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है उसकी क्या है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, ये आपकी बुक में पूरा डिफाइन किया है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी को देखो, अब ये सिस्टम फेलियर के लिए QI क्या है, सिस्टम फेल्ड। अगर मैं QI को बोल रही हूँ फेलियर के लिए, और PI क्या है सक्सेस के लिए, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली है कि सिस्टम फेलियर और सिस्टम सक्सेस मिलके 1 बनता है, तो यहाँ से QI की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई होप अब सीधा दिख रहा होगा आपको, 1 माइनस PI। तो देखिए QI की जगह पे क्या पुट किया है, 1 माइनस PI एट टाइम टी, वेयर PIT इज इक्वल टू प्रोबिलिटी ऑफ EI। क्यों, क्योंकि P का मतलब क्या था, प्रोबिलिटी दैट ith एलिमेंट इज वर्किंग एज गुड, कि वो ठीक से काम कर रहा है। तो हमने ठीक से काम करने वाले के लिए क्या कहा था, EI, कि जो ith कॉम्पोनेंट है वो ठीक कंडीशन में है, इसकी प्रोबेबिलिटी। ऐसे QIT का मतलब क्या है, इट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ith कॉम्पोनेंट इज़ इन बैड कंडीशन। बैड कंडीशन मतलब ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसी को हम लिख सकते हैं कि ith कॉम्पोनेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी, ये दोनों सेम है। इफ़ ऑल द कॉम्पोनेंट्स हैव द सेम रिलायबिलिटी देन, अगर सबकी रिलायबिलिटी बिल्कुल सेम है, तो जैसे P1, P2 इज इक्वल टू P3, P4 ऐसे कर दिया है हमने, तो देखिए ये वाली क्या बन जाएगी इक्वेशन, मैं यहाँ से बता रही हूँ, ये बन जाएगी 1 माइनस, अब ये पुट करते हैं हम, पहले 1 पुट किया तो 1 माइनस P1T, फिर आएगा 2 पुट करो तो 1 माइनस P2T, अप टू सॉन 1 माइनस PMT। और अब हमने क्या कहा है, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, बिल्कुल सेम है, तो मतलब P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू PM, तो 1 माइनस यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो, P1T इज इक्वल टू P2T इज इक्वल टू अप टू सॉन PMT।
तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी टी, कितनी बार है, 1 2 3 अप टू सोन एम टाइम्स है, तो ये यहाँ से आ गया देखिए। उसके बाद इसने क्या कहा है, इसी को इसने लिख दिया है, ये किसकी वैल्यू थी, क्यू की थी, तो इसने लिख दिया है। और ये देखिए पूरे को चेंज किया है इसने, कैपिटल क्यू लिखा है, यहाँ पे है स्मॉल क्यू टी रेज टू पावर एम। टू डिज़ाइन अ सिस्टम विद द अनरिलायबिलिटी नॉट एक्सीडिंग क्यू द नंबर ऑफ पैरेलल यूनिट ईच विद द अनरिलायबिलिटी ऑफ क्यू। कैपिटल क्यू क्या है, हमारे पास सिस्टम की अनरिलायबिलिटी है, और स्मॉल क्यू क्या है, जो हमारी यूनिट्स है उसकी अनरिलायबिलिटी है। तो हमने क्या कहा है, टू डिज़ाइन अ सिस्टम विद अनरिलायबिलिटी नॉट एक्सीडिंग क्यू, कि इस कैपिटल क्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, किसकी, द नंबर ऑफ पैरेलल यूनिट ईच विद अनरिलायबिलिटी ऑफ स्मॉल क्यू। तो देखिए क्या किया है, स्मॉल क्यू कितने हैं, कितनी उसमें यूनिट थी, जो हमने सिस्टम बनाया उसमें कितने कॉम्पोनेंट थे, एम। तो जितने भी कॉम्पोनेंट की हमारी अनरिलायबिलिटी है उन सब की अगर प्रोडक्ट कर दे तो कम होनी चाहिए, किससे, कैपिटल क्यू से। इसी को अगर आगे सॉल्व करें, देखिए अब मैंने दोनों साइड पे अगर मैं क्या ले लेती हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ मैं इसे यहाँ पे एक बार आपके लिए, क्यू एम इज़ लेस देन इक्वल्स टू क्यू। तो सबसे पहले हम क्या लगा लेंगे, लॉग, लॉग ऑफ क्यू एम इज़ लेस देन इक्वल्स टू लॉग ऑफ क्यू। अब लॉग क्या करेगा, पावर को आगे ले आएगा, ये आ गया है, इज़ लेस देन इक्वल्स टू लॉग ऑफ क्यू। एम निकालना है तो इस लॉग क्यू को इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, लेस देन लॉग कैपिटल क्यू अपॉन लॉग स्मॉल क्यू, ये आ जाएगा देखिए, ये इसने यहाँ पे लिख दिया है। और अब देखिए इसने क्या किया है, ये तो लेस देन इक्वल टू में, इसने देखिए साइन बदला, इसलिए वन अपॉन ये आ जाएगा, यहाँ पे भी वन अपॉन में आ जाएगा। ये कैसे कर सकते हैं, ये यहीं से स्टार्ट कर लो, वन अपॉन में कर लो, उसके बाद ये क्या आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो वन अपॉन क्यू एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वन अपॉन क्यू। फिर आप फिर से ऐसे ही लॉग लगा लो, वहाँ से भी डायरेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए इसने आगे क्या बताया है, कन्वर्सली इफ़ द नंबर ऑफ पैरेलल यूनिट इज़ नोन, कि हमें पैरेलल यूनिट में कितने मतलब कितनी यूनिट्स हमने लगाई है वो हमें पता है, देन द रिलायबिलिटी ऑफ ईच यूनिट, कि हर एक यूनिट के मतलब जो हमने कॉम्पोनेंट उसके अंदर लगाए हैं, जैसे देखिए पीछे मैं बता देती हूँ, हमने ये वाले कॉम्पोनेंट्स लगाए थे, इनकी बात करेंगे, फर्स्ट की क्या होगी, सेकेंड की क्या होगी, एम एथ की क्या होगी। तो इसने कहा है कि अगर हमें पता है कि कितने हमारे पास टोटल हमने यूनिट लगाई है, कितने हमने कॉम्पोनेंट्स लगाए हैं, देन द रिलायबिलिटी ऑफ ईच यूनिट इज़ स्मॉल पी इज इक्वल्स टू वन माइनस कैपिटल क्यू रेज टू पावर वन बाय एम। इन द केस ऑफ कॉन्स्टेंट फेलियर रेट, अगर कॉन्स्टेंट फेलियर रेट है, एक ही रेट से बार बार सिस्टम फेल हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पहले तो वो मतलब थोड़े टाइम 2 घंटे में हो रहा था, अब वो 4 घंटे में हो रहा है, नहीं, वो हर बार 2 घंटे बाद ही फेल हो रहा है, सिस्टम हर 2 घंटे बाद ख़राब हो रहा था, कॉन्स्टेंट फेलियर रेट है उसका, तो रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी, वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी रेज टू पावर एम। अगर ये देखना है कहाँ से आया है, ये इस इक्वेशन से आया है, पी टी की वैल्यू पुट की है सिर्फ, यहाँ पे पी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, वो पुट कर दिया यहाँ पे। द मेन टाइम टू फेलियर ऑफ द सिस्टम इज़, अगर हम मेन टाइम टू फेलियर निकालें मतलब एम टी टी एफ निकालें तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा 0 to infinity 1 minus, इसी का जो हमने अभी निकाला है आर टी, इसका इंटीग्रेशन था, क्योंकि मैंने आपको सीरीज़ वाले में भी कराया था, तो वो साथ साथ नोट डाउन करते रहें आप अपनी कॉपी में, अगर बुक की फ़ोटो स्टेट है तो आप उसमें से चेक करते रहें, ये वैल्यू पुट की। अब इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है तो हम इसे पुट कर रहे हैं एक्स, वी गेट एम टी टी एफ इज इक्वल्स टू 1 upon lambda 0 to 1, और ये इसके लिए आ जाएगा। तो देखो इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद ये बन गया, ये इंटीग्रेशन में हमने अब क्या कर दिया है, ये आ गया है आगे। फिर आगे देखिए इसने सिर्फ वैल्यू पुट की है इंटीग्रेशन करके, और इसकी वैल्यू पुट की है लिमिट की, ये आ गया है 1 upon lambda। इसको मैं पुट कर सकती हूँ, देखो जो ब्रैकेट की टर्म है, समेशन के फॉर्म में लिख दिया 1 upon i, i कहाँ से शुरू है, 1 2 3 अप टू सॉन m तक, तो ये बना लिया है। फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ m, एम टी टी एफ 1 upon lambda, ये क्या आ जाएगा, log m प्लस 0.577 प्लस 1/2 m, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ तक इसको देखें, फिर आगे हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।